आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेकर बास्केट में। और आज हम आपके सामने बनाने वाले हैं चॉकलेट ब्राउनी, जो कि बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत रिच भी होती है और बहुत ही अच्छा डेजर्ट है डिनर टाइम के लिए। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी? सो वी रिक्वायर्ड अबाउट 75 ग्राम ऑफ रिफाइंड फ्लावर, दिस इज कैस्टर शुगर, आप भूरा भी यूज कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी, ये आपको चाहिए 240 ग्राम, बटर यू विल यूज 120 ग्राम, कोको पाउडर और चॉकलेट पाउडर यू कैन यूज, इट विल बी अबाउट 40 ग्राम एंड वॉलनट्स इज हेयर, इट इज अबाउट 80 ग्राम एंड एग इज देयर, इट इज 2.5 नंबर। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब हम इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 20 से लेके 30 मिनट तक इसको बीच में डालना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली 25 मिनट में हो जाना चाहिए। तो चलिए इसे बेक करते हैं, चलिए इसको बेक करते हैं तकरीबन 25 मिनट के लिए। आइए देखते हैं ब्राउनी हमारी कहाँ तक पहुंची है। ये ब्राउनी आप देख रहे होंगे, ये ब्राउनी ऑलमोस्ट डन है, अच्छा सा क्रस्ट फॉर्म हुआ है इसके ऊपर और अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे ऑलमोस्ट अबाउट 15-20 मिनट एंड देन इसको डिमोल्ड करके इसको काटेंगे।
हमारी जो चॉकलेट ब्राउनी थी जो हमने अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखी थी, करीबन इसको आधा घंटा हो चुका है रेस्ट के लिए, और इसके बाद हमने थोड़ा सा चिल्ड करने के लिए फ्रिज में भी रखा था करीबन 10 मिनट के लिए। चिल्ड करने से ये फायदा होता है कि हमारे को चॉकलेट ब्राउनी काटने में आसानी होती है। तो ये जो मोल्ड है अब हम इससे इसको अलग कर देते हैं, ये निकल के बाहर आ चुकी है, ठीक है। ये हमने ब्राउनी निकाल दिए यहाँ से, अब इसका जो नीचे बॉटम्स है ये भी निकाल दिए हैं, ये देखिए। ये बहुत आसानी से ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसको हम इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप अगर कोको पाउडर डस्ट करना चाहते हैं तो कोको पाउडर भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको सिंपल ही रहने दे रहा हूं और इसको काट रहा हूं। आप इसे स्क्वायर में काट सकते हैं, फिंगर शेप में काट सकते हैं। ये देखिए ये हमारी ब्राउनी बनके तैयार है, वॉलनट ब्राउनी। आइए इसको प्लेट में डेकोरेट करते हैं। आइए ब्राउनी को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इसको डेकोरेट करें। इवनिंग टाइम में हॉट चॉकलेट के साथ में अगर ब्राउनी खाने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रीट है और बनाने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता। ये देखिए ये चॉकलेट ब्राउनी बनके तैयार, सिंपल। अगर आपको ये रेसिपी चॉकलेट ब्राउनी की अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें, और मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।